हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है शुक्रवार और मेरा और मेरी बेटी का व्रत है। आज मैं उद्यापन करने वाली हूँ। ये साड़ी आपको कैसी लग रही है? ये जो जब घर की पूजा हुई थी तब मैंने खरीदी थी और सेम ऐसी साड़ी अपनी दोनों बहनों को दी थी, बस कलर चेंज था। उनकी वो साड़ी भी उनकी फ्रेंडों को बहुत पसंद आती है। मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और ये जो आप फेस देख रहे हैं, ये मैंने कोल्हापुर से मंगाया था। लक्ष्मी जी का फेस है और आज पहली बार पूजा में यूज करूँगी। मुझे ये यूज करना नहीं आता है क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह से नहीं करते हैं, पर मेरी फ्रेंड जो समर्थ की मम्मी ज्योति है वो ऐसे पूजा करती थी, तो वो आज अभी आने वाली, वो मुझे सिखाने वाली है कि कैसे लक्ष्मी जी की फेस को डेकोरेट करके उनकी पूजा करते हैं। और मेरी बेटी ने काफ़ी टाइम से व्रत कर रहे थे और हमारे व्रत पूरे भी हो गए थे, पर कोरोना के कारण हमारा उद्यापन नहीं हो पा रहा था, तो आज फाइनली उद्यापन कर रहे हैं हम लोग। पहले सबसे पहले चावल से अष्टकमल बनाया, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम रखी, फिर जो पानी का कलश होता है वो रखेंगे, उसके ऊपर लक्ष्मी जी का फेस लगाएंगे और जल में 1 रुपया और सुपारी डालेंगे। समत अच्छा लग रहा है यार, पौधा मचाने अकेले ही दौड़ते रहो घर में, हाँ पानी है। ज्योति ने मुझे लक्ष्मी हार दिया है आज पूजा के दिन और रंगोली का सेट दिया है। वो हर दिन के हिसाब से रंगोली आप बना सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे हर वार की रंगोली है और वो डेली आप पूजा के टाइम बना सकते हो। काफ़ी अच्छी रंगोली है वो। जी के लिए कपड़े भी कोल्हापुर से ही लेके आए थे, गजरे वगैरह सब लेके आए थे हम वहीं से, और उनको उनका अच्छा सा श्रृंगार किया, नाक की नथ, कान के सब पहनाए उनको। और ये वाली पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इस पूजा को अपने घर पर भी शुरू किया। आपको मेरा पूजा का मंदिर, नया मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। ये हमारे घर का नया मंदिर है। तैयारी होने के बाद मैंने और मेरी बेटी ने भगवान की पूजा की, कथा पढ़ी और उसके बाद सभी लोग टाइम पर भी आ गए थे।
मैं बड़ी हूँ फिर मुंबई में बड़ा देखोगे कैसा बड़ा देखो ऐसा बड़ा देखो तो सबसे पहले मेरे से करो अध्यापन में मैंने 11 लेडीजों को और 5 कन्याओं को बुलाया था और सभी लोग टाइम पर आ गए थे और काफ़ी अच्छे से उद्यापन हो गया। सभी लोग नए घर के पास में ही रहते हैं, सभी के घर बने हुए यहाँ पर, वहीं से आए थे। लेडीजों के लिए मैं सिंगार का सामान लाई थी और कन्याओं के लिए कटोरी लेकर आई थी और सभी लोग आए घर पर, काफ़ी अच्छा लगा। और सब लोग मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अब हम तुमको मराठी सिखाया करेंगे। मैंने बोला मुझे मराठी समझ में तो आती, बस बोलने में प्रॉब्लम है। तो वो कह रही थी कि तुम हमारे सामने बोला करना, हम तुम्हारी मराठी को सही करवा देंगे। मैंने बोला ठीक है, चलो अब मेरी क्लास लगाओ, मराठी क्लास सीखूंगी मैं भी। लेकिन दो तो बाकी है ना, आप बोल रहे हैं ना वो लड़का, तो ये दो और एक अन्य था, बस लड़की को कटोरी दे, उनको नहीं देना क्या, उनको सुंदर सस्ता दे, हाँ देख लो फिर किसको नहीं मिला, नहीं अभी हो गया पूरा, हो गया ना अभी, हाँ फिर इनको नहीं दिया था, हाँ मैंने वही बोला एक बार चेक करो। Si sí, después de eso me dice la noche de mi, no me ve tanto, no me ve tanto.